अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल, और उसके साथ बनाएंगे हम इसकी जो पट्टी है वो, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि जो स्प्रिंग रोल की और समोसे की पट्टी होती है वो बहुत कम जगह मिलती है। इसलिए मैं सोची कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए कि स्प्रिंग रोल और समोसे की पट्टी कैसे बनाएँ, और उसके साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो जो आप स्प्रिंग रोल है इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो आज की वीडियो में मेरी मम्मी भी मेरे साथ कुछ बात बोलेगी, कि जो मुझे समझ नहीं आएगा, जो मैं नहीं बोल पाऊँगी वो मेरी मम्मी भी बोलेगी। तो चलिए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कप मैदा, तो हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल की पट्टी। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, ऑयल डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर डालेंगे 2 टेबलस्पून, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम जो हमारा गुनगुना पानी हमने करके रखा था उससे थोड़ा थोड़ा डाल के डो बना लेंगे। इस तरह हमने गूंद लिया है, और ये देख सकते हो ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा कड़क, एकदम परफेक्ट गूंदा है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे हम ढक देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। हमने 300 ग्राम चिकन, इसको हमने बॉईल कर लिया था पहले भी, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया उस तरह से, और इसमें थोड़ा सा नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, एक टी स्पून डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए फिर इसको इस तरह से हमने कट कर लिया है, और ये लिए हमने पत्ता गोभी 2 कप, इसको हमने स्लाइस में कट कर ली है। ये लिए हमने स्प्रिंग अनियन, इसका जो ग्रीन वाला पार्ट था उसको अलग रखा है। स्प्रिंग अनियन हमने ली थी 3, उसका वाइट वाला हिस्सा अलग रखा है और ग्रीन वाला हिस्सा अलग रखा है। ये हमने लिए कैबेज 1, उसको इस तरह से स्लाइस में कट कर ली है। और ये लिए हमने कैप्सिकम, इसको हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली है, 1 कैप्सिकम ली थी हमने। तो ये ग्रीन चिली 4 से 5, उसे हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। फिर एक अदरक का टुकड़ा, उसको भी हमने बारीक कट करा है। और ये हमने ली थी 4 लहसुन की कली, उसको हमने बारीक कट कर लिया है। हमने लिया है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ये लिया है हमने 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, ये लिया है हमने सिरका 2 टेबलस्पून, और ये है वाइट पेपर, ये लिए हमने 1 टेबलस्पून। तो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट। फ्राई पैन, उसमें डाल रहे हैं हम 2 टेबलस्पून ऑयल। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारा तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, जो मैंने आपको बताई थी उस तरह से। और इसे हमें 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन फ्राई ही करना है, और फ्लेम स्लो कर दी हमने अभी थोड़ी देर। तब इसमें डालेंगे जो ग्रीन हरी प्याज है उसका ऊपर वाला पार्ट डाल रहे हैं हम। उसे भी हमने हमें 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। 3 मिनट बाद जो हमने हमारा चिकन बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम पत्ता गोभी डाल देंगे, कैबेज, शिमला मिर्ची, और इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। और तो हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, क्योंकि जो हमारी वेजिटेबल्स है उन्हें हमें क्रंची रखना है। इसलिए 3 मिनट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारा सोया सॉस था वो, और अब डालेंगे रेड चिली सॉस, विनेगर और वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हम डाल देंगे जो हमारी स्प्रिंग अनियन थी उसका नीचे वाला हिस्सा, ग्रीन वाला पार्ट, और उसमें आप डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार। और इसे हम थोड़ा सा हम डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर। जो हमारी वाली फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। बाद जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, ये देख सकते हो सॉफ्ट। जो
हमने तैयार किया था उसको इस तरह से हम मसल लेंगे। जैसे मसल के ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसके हम गोल गोल पेड़े बनाएंगे। आटे में हमारे 7 पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसके हम रोटी बेल लेंगे, रोटी की तरह इसे रखते हैं साइड में। हल्का सा मैदा डालेंगे और इस तरह से रोटी की तरह बेल लेते हैं हम इसे। इस तरह से जो हमारी रोटी है बेल लिए, ये देखें ये तो इसकी थिकनेस देख सकते हो आप। ये देखें हम बेल रहे हैं। पूरी जितनी बेलनी है हमें, ज़्यादा बड़ी नहीं। ब्रश से अच्छी तरह से तेल लगाएंगे चारों तरफ। ये देखो इस तरह से। थोड़ा सा मैदा लेंगे और उसे ऊपर रखे डालेंगे। इस पर डस्ट कर रहे हैं तो जो दूसरी रोटी थी वो उसके ऊपर रखेंगे। फिर तेल लगाएंगे। देखो तेल लगाने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। फिर से हम मैदा डस्ट करेंगे, फिर जो तीसरी रोटी है वो ऊपर डाल देंगे। फिर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे। नीचे हल्का सा मैदा डस्ट करते हैं, एकदम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा ताकत से नहीं बेलना। ये देखो इस तरह से हाथों से इतनी बड़ी बेल ली है, ये देख सकते हो कितनी बड़ी कर ली। तो ये देखें हमने इतनी बड़ी रोटी बनाई है। हमने 3 की बनाई है, कोई 5 की बनाता है, 7 की बनाता है, हमने 3 की बनाई है। 3 की सही रहती है, इजी रहती है। आप चाहो तो आप 5 की भी बना सकते हो, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, बस उस तरह से। इसमें हम डालेंगे फ्राई पैन पे हल्का सा तेल और जो हमारी रोटी है वो डाल देंगे। ये हल्की हल्की ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, तब इसे हम पलट लेंगे। ये देखें, ये देख सकते हो आप। ये पलटने के 1 मिनट बाद ही हमारे रोल की जो पट्टी है माशाल्लाह से गरम गरम हम इसे निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं। ये देखें गरम गरम ही हमें खोलना होता है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये नहीं खुलती इस तरह से। ये देखें माशाल्लाह हमारे रोल की पट्टी अच्छी से बन चुकी है। आप ऐसे बनाओगे जिसे मैंने आपको बताया उस तरीके से, तो आपकी भी बन जाएगी। देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छी तरह से खुली थी, ये देख सकते हो आप। ये देखें एकदम परफेक्ट रोटी बनी है हमारी। घर पे बनाई रोल की पट्टी वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी बनी है। अब इसमें हम भरेंगे जो हमने कट कर रहे हैं साइड से। ये देखें हमें कट कर लेना है। देखिए हमने इसे स्क्वायर शेप में कट कर ली है। अब इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी उसे ऐड करेंगे, सेंटर में ऐड करेंगे। और जो हमारी फिलिंग है वो ठंडी भी हो चुकी है, तो इसे अब हम सेंटर में ऐड कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं। ये देखें ये, अब इसको हम अच्छी तरह से फिट बांधेंगे, पेक करेंगे। मैदा और पानी को मिक्स करके हमने पेस्ट बनाया है, उसको हम इस तरह से लगा रहे हैं। ये देखें हमारा रोल जो है तैयार है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। पहले जो बाकी है वो बना लेते हैं, आपको एक और दिखा देती हूँ। अब मैं फटाफट आपको दूसरा भी बता दे रही हूँ। तो मैंने डाल दिया मेरे इंग्रेडिएंट्स, अब इसे हम साइड से उठाएंगे और रैप करेंगे और दूसरी साइड से उठाएंगे इस तरह से। और फिर मैं ये पट्टी मैं इसके लिए बनाई हूँ कि कितनी जगह है कि ये रोल की पट्टी मिलती नहीं है, तो मेरे जो जो जितने मेरे यूट्यूब फैमिली है मेरे को मैसेज करे कि हमारे पास पट्टी नहीं मिलती समोसे के टाइम, तो मैं उनके लिए पट्टी बना के दिखाई कि आप इससे ही समोसे भी बना सकते हो ये पट्टी से और रोल भी बना सकते हो। तो मैं आपके लिए पट्टी देखो हमारे जो रोल है उसका तैयार है। अब इसे आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसी पेपर बैग के अंदर 1 हफ्ते के लिए आप इसको बना के रख सकते हो इस तरह से। देखो फ्रीज़र कर सकते हो इसको,
ये देखें इस तरह से आप फ्रीज़र कर सकते हो, एक हफ्ते तक आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हो, आपकी रोल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तब इसे हम रख देते हैं और अब फ्राई भी कैसे कट किया है, ये वेस्ट नहीं होगा, इसको हम फ्राई कर लेंगे और इसकी हम पापड़ी चाट भी बनाएंगे और इसको अब हम फ्राई करते हैं। तो चलिए रोल तैयार किए हमने, वो डाल देंगे। तो फ्लेम हमें स्लो रखना है, इसे अब हम ऊपर नीचे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाए सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जितने भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिलेंगे। ये देखें जो हमारे रोल है वो हल्की हल्की फ्राई होने, गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। ये हमारे जो रोल है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। और जो बाकी है उसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे जो रोल है तैयार हो चुके हैं, हमने इसे गार्निश कर लिया है। मैंने इसको केचप के साथ ले रही हूँ, आप चाहो तो आप चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ भी ले सकते हो। तो ये देखें मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट, और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे आप बनाओगे तो। तो ये देखें अंदर से आप इसकी फीलिंग देख सकते हो, आप इसे चाय के साथ स्नैक्स में भी ले सकते हो, ये इतने मज़े के लगते हैं। ये देखें अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।